Hello and good morning. Today I'm going to do a different type of experiment within my room. So here is a heat pillar. एक heat pillar है जो यहाँ पे सर्दियों में काम आता है. And इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ पहले यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि what is outside today. बाहर बहुत ही ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ है. आग जलाने का भी कोई साधन नहीं है. तो मुझे जो मेरी प्लानिंग है आज की, दैट इज़ टू मेक बैगन का भरता. सो आई थॉट वाई आई कैन नॉट यूज़ दिस हीट पिलर एज अ तंदूर की जो भट्टी होती है और हीटिंग अरेंजमेंट यूजिंग दिस. सो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि मेरे पास एक ये चेन है. चेन वाई आई हैव टेकन दिस चेन, बिकॉज अगर आप दूसरी चीज़ लेंगे तो वो शायद इसमें जल जाएगा. एंड विद द हेल्प ऑफ अ नीडल, ये नीडल की मदद से मैं इसके जो ब्रिंजल का जो टॉप है, जो डंडा है, उसमें मैं एक होल करके ये जो मेरी चेन है आयरन की, इसको मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ. इसको थोड़ा सा टाइटली इसमें बंधना चाहिए मेरे ख्याल से, अदरवाइज़ बीच में कहीं ये पकने के बाद गिर जाएगा. एंड बिफोर दिस आई वुड लाइक टू क्लियर दैट यू कैन ट्राई इट एट योर होम बट इन योर ओन रिस्क. हम हीट पिलर जला के रखते हैं रूम में, तभी हमारा रूम गर्म रहता है टू सर्वाइव. लेकिन इसका साथ ही साथ एक दूसरा मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ. देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाह रहा था. इफ़ आई एम हैंगिंग दिस ब्रिंजल इन फ्रंट ऑफ दिस हीट पिलर, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, जिस तरह से बारबेक्यू बनता है ना, आपने यू माइट हैव सीन दैट चिकन टिक्का, पनीर टिक्का एंड ऑल, वो सब इसी तरह से स्लो हीट में पकते हैं. कम हीट में ज़्यादा देर तक उनको पकाने के रखने के लिए होता है. ये देखिए, मेरे पास जो लोहे की नीडल है, आई हैव अनदर थॉट दैट आई कैन ऐड सम ऑनियन एंड टमेटोज और पोटेटोज इन दिस. तो उससे क्या होगा कि मेरे जो ग्रेवी के आइटम है ना, वो भी इसमें साथ ही ऐड हो जाएंगे. तो लेट्स चेक इट आउट कैसा बनता है. देखिए, मेरा अरेंजमेंट बन चुका है. मैंने इसमें दो अनियंस, दो प्याज भी मैंने इसमें डाल दिए हैं. बैगन उसके नीचे लटक रहा है. सी, टाइम लगेगा इसको पकने में, लेकिन देखिए इसकी ना हीट की इंटेंसिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं. हीट पिलर का आप एक ही रॉड जलाइए या दोनों जलाइए, या फिर आप उसको हीट पिलर को थोड़ा सा इससे अपार्ट कर लीजिए, दूर कर लीजिए या पास कर लीजिए. इससे क्या होगा कि टाइम ऑफ बर्निंग आपका चेंज हो जाएगा. ठीक है, आपको जल्दी बनाना है, आधे घंटे में भी हो जाएगा. एंड आई विल चेक कितना टाइम ये ले रहा है. मेरे ख्याल से एक घंटे में ये पूरा का पूरा तैयार हो जाना चाहिए. सो एक और चीज़ की मैं इसको वॉइस ओवर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था तो मैंने वीडियो बना लिया. आई एम मेकिंग ए वॉइस ओवर. और इसको ना रोटेटरी मोशन में देने की ट्राई कर रहा था. मुझे चाहिए था एक छोटा सा स्लो रोटेटिंग मोटर चाहिए था, जो इस तरह का कुछ मैं बारबेक्यू का आइटम उसमें लटका दूँ, पनीर टिक्का वगैरह, और वो अपने आप रोटेट होता रहे और पकता रहे. लेकिन आई डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज दैट आई कैन मेक अ स्लो रोटेटिंग मोटर. तो यहाँ पर मैंने इसको हैंग कर दिया है, ऊपर से लटका दिया धागे से, जिसकी वजह से मैंने ये फ़ैन पे लटका रखा है. तो इसकी वजह से क्या है, ये धीरे धीरे रोटेट हो रहा है. एंड वंस ये एक साइड की रोटेशन पूरी कर लेगा, देन ऑटोमेटिकली इट विल रिवर्स इट्स मोशन. तो ये धीरे धीरे रोटेट होते हुए पकेगा, अदरवाइज आप इसको मैनुअली भी रोटेट कर सकते हैं. सो गाइस, टाइम बाय टाइम थोड़ी थोड़ी देर में, आफ्टर 15 to 20 minutes आई विल शो विस टाइप ऑफ फोटोज़. और अभी मैं इसकी बाद की फोटोज़ भी आपको दिखाऊंगा. इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लीज़ कमेंट हाउ इट इज़. Thanks for watching. Have a good day.